अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर हकीम सैफुल्ला सिखा साहब ने आपकी हेल्थ को लेकर जिनसी तालीमात पर कमोबेश 55 से अब बुक्स लिखी हैं। जी हाँ, ये बुक्स आपकी जिनसी डिजीज से रिलेटेड आपको हर तरह से हेल्प करती हैं, आपकी मेडिकेशन से, क्योंकि इसमें ऐसे नुस्खे लिखे गए हैं जो आपकी बीमारी के मद्देनज़र आपको हेल्प करते हैं। जिन लोगों से ये नुस्खे तैयार नहीं होते तो वो अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के नंबर पर कॉल करके हमारे हुक्मा हजरात को अपना डिजीज़ बताएं, अपना प्रॉब्लम बताएं, उससे रिलेटेड मेडिसन जो है वो घर पर डिलीवर करवा लें। अच्छा, जिन लोगों को ये बुक्स नहीं मिलती वो उर्दू बाज़ार लाहौर से इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज जिस टॉपिक को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है लिकोरिए में हम बिस्तरी करना, या फिर लिकोरिए में हम बिस्तरी करने से मर्द को ज़्यादा शहवत आती है या नहीं आती, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि लिकोरिया दो टाइप का होता है, एक येलो कलर का, एक वाइट कलर का। अच्छा, जो वाइट कलर का लिकोरिया होता है उसमें जेंट्स के उसमें खास को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, लेकिन येलो कलर के लिकोरिए में उसमें खास को बहुत नुकसान होता है। इससे जो स्पर्म्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं, उनके उसमें खास में कमज़ोरी आ जाती है, स्पर्म्स वीक होने की वजह से उनके नामर्दी जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे अगर येलो कलर का लिकोरिया है तो उसका सबसे पहले आप ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, अब इसमें दूसरा सवाल है हमारा कि लिकोरिया के दौरान हम बिस्तरी करते हुए मर्द को ज़्यादा शहवत आती है। बिल्कुल आती है, क्योंकि उसको लिकोरिया के दौरान जो उसका मादा है बह रहा होता है विजाइना से, उसकी वजह से उनको शहवत ज़्यादा आती है। तीसरी बात, अगर येलो कलर के लिकोरिए के साथ हम बिस्तरी की जाए तो उसमें जितना ख़तरा ख़वातीन को होता है, उनकी विजाइना को होता है, उतना ही जेंट्स के प्राइवेट पार्ट्स को होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपना और अपना अपने लाइफ पार्टनर का कंप्लीट चेकअप करवाते रहा करें। किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फौरन हल करवाया करें, फौरन डॉक्टर को दिखाया करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो टाइम पे सॉल्व हो सके। अगर ऐसा नहीं करते आप तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर खड़ा रहेगा और उससे आपको कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी भी है, मर्दाना कमज़ोरी भी कह सकते हैं, मर्दाना मर्दी का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए पहले आप अपनी लाइफ पार्टनर से डिस्कस करें कि उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर है लिकोरिया जैसी बीमारी है तो फिर उनका लिकोरिया किस किस्म का है, येलो है या वाइट है। अगर येलो है तो फौरन इलाज करवाएं, अगर वाइट है तो डेफिनेटली उसमें जेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस सूरत में भी ख़वातीन का इलाज होना चाहिए, क्योंकि लिकोरिया जो है ख़वातीन की हड्डियों को दीमक की तरह चाट जाता है। तो इसमें आप दोनों अगर सेहतमंद रहेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेंगे और एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रख सकेंगे। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर किसी को मेडिसिन ऑर्डर करनी हो अपने टाइमिंग के हवाले से, अपने साइज़ के हवाले से और अपने असाबी मजबूती के हवाले से, तो वो अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन से मजूने गुले ज़ाफरान ऑर्डर करवा सकता है। ये मेडिसन 8 डोज पर मुश्तमिल होती है, जिसे आपने 2 महीने में खाना होता है, यानी कि वीकली एक डोज आपने इस्तेमाल करनी है। ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली 2 महीनों में आपकी जो मेडिसन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको आपके मतलूबा नतायज भी मिलेंगे और आप अपनी सेहत में बेहतरी भी फील करेंगे, इससे आपकी जो असाब हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। नाजरीन, हमारी जो मेडिसन है उसको भी आप फॉलो करें, क्योंकि ये हर्बल है, ये इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमारे हुक्मा हजरात से कांटेक्ट करें, अपना प्रॉब्लम बताएं। प्रॉब्लम बताने के बाद जो मेडिसन वो आपको रिकमेंड करते हैं वो आप प्लीज़ परचेस करें और अपना इलाज स्टार्ट करवाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।